हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल के बैग में अमन जानबूझ के प्रोटेक्शन का यानी कॉन्डम का बॉक्स डाल देता है, ये सोच के कि इस वजह से मे बी इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, झगड़ा हो। और फिर नेक्स्ट डे पायल मुझे शेयर करने आएगी और फिर मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर दूंगा उसे, उसे भी अच्छा लगेगा। ऐसे मीठे मीठे उसके लिए वो ख्यालात सोच रहा होता है, तो वो डाल देता है और ये पायल को बिल्कुल पता नहीं होता। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं सब मिलके, मेले में जाने का उनका प्लान बनता है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लास्ट में त्रिशा ने पायल का बहुत ज़्यादा केयर किया होता है मेले में, तो पायल को खुद ही को मन करने लगता है कि मैं उसके लिए कुछ स्वीट ले लूँ। तो फिर वो शॉप में जाती है और वहाँ से डेरी मिल्क देखने लगती है, तो परफेक्ट वैलेंटाइन हार्ट वाली डेरी मिल्क लेती है और बहुत उसे अच्छा फील हो रहा होता है कि उसको त्रिशा को डेरी मिल्क देनी है, उसे अच्छा फील कराना है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहते हैं ना कि हम जिसे पसंद करने लगते हैं उसको हैप्पी करने वाले होते हैं, तो अलग ही स्माइल होती है। तो ऐसी स्माइल पायल के दिल में होती है, वो एकदम खुश होते होते शॉप के बाहर आती है और त्रिशा अपनी बाइक लेने गई होती है, तो वो अपनी बुलेट लेके आती है और फिर ये लोग मेले के बाहर से चले जाते हैं और उसके फ्रेंड्स भी सारे चले गए होते हैं। पायल के फेस पे तो बहुत अच्छी स्माइल होती है और त्रिशा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने मेले में पायल को किस जो किया होता है और पायल ने भी उसे रिटर्न बैक किस किया होता है फुल होशो आवाज़ में, तो उसका माइंड एकदम प्लीजेंट होता है, बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है। वो बहुत अच्छे से गाने विने बोल बोल के बाइक चला रही होती है, दोनों की फेस भी बहुत अच्छी स्माइल होती है। अब पायल त्रिशा को एकदम टाइटली हग करके रखती है और बाइक पे बैठी होती है एकदम प्यार से, फुल हग से। त्रिशा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, इन दोनों को भी पता नहीं चल रहा होता, त्रिशा को पता होता है, बट अब ये लोग और करीब होते जा रहे होते हैं एक दूसरे के। फिर आफ्टर ऑल वो घर पे पहुँचते हैं और दोनों भी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद पायल खुश होती है कि उसको चॉकलेट निकालना है जो उसने त्रिशा के लिए स्पेशली लाया है, तो वो त्रिशा को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो लाया है आज। तो त्रिशा बोलती है अच्छा दिखाओ दिखाओ क्या लाया है, तो पायल बोलती है जाओ ले लो वहाँ पे बैग में उस। तो फिर त्रिशा बोलती है ओके, तो फिर वो लेने के लिए चली जाती है। अब बेचारी पायल को क्या पता कि बैग में चॉकलेट के साथ कुछ और भी है, तो त्रिशा तो एकदम खुश होके वो बॉक्स देखने वो बैग देखने जाती है और खुशी खुशी से पायल की छोटी सी कॉलेज वाली बैग ओपन करती है, तो उसमें उसको एक क्यूट सी वैलेंटाइन सिल्क दिखती है। वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तुमने मेरे लिए लाई, और उसको बहुत अच्छा लगने लगता है कि ये मुझे स्पेशल ट्रीट कर रही है, कुछ तो है, और ऊपर से नॉर्मल चॉकलेट भी नहीं वैलेंटाइन सिल्क, ओहो। तो त्रिशा के मन में और लड्डू फूटने लगते कि समथिंग समथिंग उस साइड से भी है, मुझे पूरे साइंस दे रही है। अब मैं थोड़े दिन में हिम्मत करके शायद से बता दूंगी इसे, त्रिशा ऐसे सोचने लगती है। यहाँ पे पायल भी बहुत खुश होती है। फिर त्रिशा सिल्क निकालती है और वो देखती है कि नीचे भी कुछ तो है, तो उसको उसके ऊपर एक इमेज दिखती है, तो वो देखने लगती है ये क्या है, तो वो नेक्स्ट बॉक्स भी निकालती है और ऐसे देखने ही लग जाती है ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। तो फिर पायल बोलती है क्या, तो पायल देखने आती है तो उसको भी दिखता है कि वो एक कॉन्डम है, तो फिर वो ऐसे बॉक्स को देख के शॉक हो जाती है और त्रिशा पूछने लगती है ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है, तो पायल एकदम डगमगा जाती है, वो पैनिक हो जाती है कि मेरे बैग में क्या कर रहा है। तो वो सोचने लगती है यार ये मेरे बैग में तो आ ही नहीं सकता, मैं क्यों लूँगी इसे, तो मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पे क्या, बट मैं ये लूँगी ही नहीं, अब मुझे ये सब नहीं पसंद। बहुत उसको टेंशन आ जाता है और ऊपर से त्रिशा उसे और क्वेश्चन करने लगती है कि ये क्यों है तुम्हारे बैग में, पायल रिप्लाई करो। तो पायल थोड़ी सी चिढ़ जाती है कि इतने क्वेश्चन क्यों करिए, वो बोलती है मुझे नहीं पता। तो त्रिशा एकदम शॉक हो जाती है कि यार मुझे नहीं पता मतलब क्या है, ये चीज़ तुम्हारे बैग में है और तुमको अच्छे से पता है ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारे बैग में क्यों है। तो अब पायल सोचती है कि अरे ये तो उन सीनियर्स ही कर सकते हैं वो, बिकॉज उनको ही घटिया से ऐसे आइडिया सोचते हैं रैगिंग करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए, बट मैंने अभी अगर ये बता दिया त्रिशा को तो फिर वो कल और कॉलेज में जाके झगड़ा कर सकती है उनके साथ, और वो तो इतने घटिया है, पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो घटिया करेंगे ही, फिर मेरी मोम को कॉल जा सकता है और मुझे यहाँ से फिर घर जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है यहाँ से घर, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है त्रिशा के साथ। पायल ऐसे सोचने लग जाती है तो त्रिशा उसे क्वेश्चन करने लगती है, उसका गुस्सा हाई टेम्पर हो रहा होता है, वो बोलती क्या है ये सब, हाँ बताओ मुझे। तो फिर पायल बोलती
तुम्हारा क्या है, तुम क्यों मुझे इतने क्वेश्चन कर रही हो, मुझे नहीं बताना। तो त्रिशा पायल की करीब आती है और फिर क्वेश्चन करने लगती है, चुपचाप मुझे बताओ ये क्यों है तुम्हारे बैग में। तो फिर ऐसे बार बार करने लगती है, तो पायल को गुस्सा आ जाता है। तो पायल बोलती है कि मुझे नहीं बताना ना, मेरी मर्जी, तुम होती कौन हो पूछने के लिए। एकदम गुस्से से उसके ऐसे वर्ड्स निकल जाते, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तो ये बोलने के बाद पायल रुक जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल रही है वो। बट गुस्से में उसका टंग फ्लो हो जाता है, ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। तो त्रिशा को ये बहुत हर्ट हो जाता है कि एक तो ये बता नहीं रही हो, बस मुझसे ये आर्ग्यू कर रही है। इतनी भी क्लोज नहीं हूँ क्या मैं, अगर कोई लाइफ में है इसके तो मुझे बता सकती है ना। तो पायल बोलती है ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ ना लाइफ में, आई एम सॉरी मैंने तुमको क्वेश्चन किया, अब से मैं किसी चीज़ के लिए तुमको क्वेश्चन नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं पूछूँगी। ऐसे बोल के त्रिशा फिर से वो बॉक्स उसके बैग में रख देती है और चुपचाप बेड पे अपना लैपटॉप लेती है और बैठ जाती है। तो पायल को रियलाइज़ होने लगता है कि अब उसने पूरा मूड ख़राब कर दिया है, दोनों की जो स्माइल थी फेस पे वो वैनिश हो चुकी है। तो वो त्रिशा को बहुत मनाने लगती है, पोक करने लगती है, आई एम सॉरी ना, ओए ओए। बट त्रिशा उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती और बस साइड कर रही होती है। तो पायल उसको हक करने के लिए उसके टमी पे हाथ रखती है लेटे लेटे बेड पे। तो त्रिशा एकदम जोर से उसका हाथ ऐसे साइड कर देती है। तो पायल को भी बहुत बुरा लगने लगता है कि अब त्रिशा उसे इतना इग्नोर कर रही है। पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कैसे मनाए, उसने तो ज़्यादा मनाया नहीं होता। तो वो एकदम स्ट्रेस में आ जाती है कि एक तो मैं ऐसे तुरंत बता भी नहीं सकती कि ये कॉलेज के लड़कों ने किया है, वो रैगिंग करते हैं, ये तो पक्का वहाँ पे जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। और पता नहीं इसको इतना गुस्सा भी क्यों आ रहा है, क्या करूँ मैं, अब ये ट्रुथ सुनने सुनने के अलावा मान भी नहीं रही है यार, क्या करूँ। फिर त्रिशा को टेंशन आने होने लग जाता है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब इनमें जो रिलेशनशिप बन गया होता है वो थोड़ा प्यार वाला ही होता है पायल की तरफ से भी। तो पायल सोचने लगती है कि कहीं ये मुझसे, ये जो हमारी फ्रेंडशिप है हम दोनों में, ये तोड़ना दे, मैं नहीं रह पाऊंगी यार अभी, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो बहुत स्ट्रेस लेने लग जाती है और फिर ट्राई करती है त्रिशा को पोक करने के लिए, हक करने के लिए, बट त्रिशा बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती, उससे बिल्कुल बात भी नहीं करती। तो वो स्ट्रेस में दूसरी साइड फेस करती है और चादर लेके कुशन को हक करके एकदम रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बहुत धीरे रो रही होती है तो त्रिशा को सुनाई नहीं देता वो। त्रिशा काम में थोड़ा सा बिजी हो जाती है क्योंकि उसका पेंडिंग वर्क बाकी होता है। तो वो गुस्से में वो भी ट्राई नहीं कर रही होती देखने के लिए कि क्या कर रही है क्या नहीं, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। तो ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है और बेचारी पायल रो रही होती है, उसके सर पे ब्रेकअप वाला स्ट्रेस सवार होता है। फिर आफ्टर ऑल थोड़ा सा काम से ध्यान बाजू में रख के त्रिशा सोचने लगती है कैसी है, देखो सो भी गई, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता यार, एक तो बता भी नहीं रही है, मुझे तो लग रहा है कि इसके लाइफ में कोई है क्या, इसे फर्क भी नहीं पड़ रहा मैं ऐसे गुस्सा हूँ। हम लोगों में किसी चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट हुई थी, अभी ये सो गई है देखो घोड़े बेच के। फिर त्रिशा ऐसे सोचती है और फिर अपना लैपटॉप बंद कर देती है और सोचती है कि मैं भी सो जाती हूँ, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों फ़र्क पड़े, ऐसे एकदम गुस्से में बड़बड़ाने लग जाती है और लैपटॉप बाजू में रख रही होती है। तो बाजू में उसकी सिल्क देखती है और सोचती है हाँ आई बड़ी, मेरे लिए सिल्क लेके आई थी यार, इतना अच्छा मूड था तो बता दे ना, मैंने भी कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, मुझसे बात करेगी ना, हाँ करेगी, मेरी थोड़ी ना गलती थी यार, ये ऐसी चीज़ बैग में लेके आएगी तो मतलब मैं तो क्वेश्चन करूँगी, इसके मोम भी होती तो करती ना यार, फ्रेंड भी होती तो करती, तो इसको रिप्लाई करने में क्या हो रहा है, गलती से आया है, फ्रेंड का है क्या है, कुछ तो बोलती। ऐसे सोच के त्रिशा बहुत दिल ही दिल में खुद को क्वेश्चन कर रही होती है। वहाँ पे पायल बेचारी बहुत स्लो आवाज़ में रो रही होती है। फिर त्रिशा को तो नींद ही नहीं आ रही होती, वो ऐसी थोड़ा सा फूट फूट आती है, फिर थोड़ा स्टॉप होती है और सोचने लगती है मैंने उसे ज़्यादा बोल दिया क्या। तो थोड़ी शांति होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि बेड थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो फिर वो थोड़ा सा टर्न होके देखती है और सोचती है कि ये सो गई है क्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रो रही है। तो त्रिशा खुद की चादर निकालती है और फिर पायल ने जो सर तक चादर डाल रखी होती है वो भी निकालती है और देखती है कि पायल अंदर बहुत ज़्यादा रो रही है। तो त्रिशा को बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है, वो बोलती है पागल हो क्या तुम, रो क्यों रही हो। तो पायल बोलती है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पायल एकदम धीरे से अपनी आंखें पोंछने लग जाती है और बोलती है कुछ नहीं। तो त्रिशा को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से कितना रो रही है। तो त्रिशा पायल को एकदम अच्छे से टर्न कराती है और उठाती है और बोलती है यार उठो 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 उठो, तुम यार कितना रो रही हो, देखो क्वेश्चन बिगाड़ दिया तुमने।
इतना कौन रोता है यार, इतना कुछ नहीं हुआ था। तो भी पायल बेचारी थोड़ा थोड़ा रो ही रही होती एकदम बच्चों की तरह। तो त्रिशा बोलती है कि यार आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, सारी मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। मैं मुझे तुम कुछ भी मत बताना, बस मुझे कुछ भी नहीं जानना है, तुम्हारा सीक्रेट रखो, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ। प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो, आई एम सॉरी। ऐसे करके त्रिशा एकदम प्यार से अपने कान पकड़ने लग जाती है। तो पायल इसकी तरफ ऐसे देखती है और फिर भी उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा होता, वो इतने टाइम रो रही होती है। तो त्रिशा उसे और पैम्पर करके हग करने लगती है, आई एम रियली सॉरी, ऐसे करके एकदम और कान पकड़ के बोलने लगती है। उठक बैठक करो यार, तुमको तो पता ही है मैं तो हुई बंदर, पागल, उल्लू, सब सब हूँ मैं, मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे, आई एम रियली सॉरी, सारी मेरी मिस्टेक है, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो। इतनी ब्यूटीफुल लड़की ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, देखो देखो मेकअप खराब हो जाएगा सारा। तो पायल थोड़ा सा रोना कम करती है और बोलती है मैंने मेकअप नहीं किया करा था, मैं नहीं करती मेकअप। तो त्रिशा जी का हाँ ये देखो पूरा कॉम्पैक्ट यहाँ वहाँ हो गया, देखो काजल वगैरह लाइनर वगैरह सब सब मिक्स हो जाएगा, जल्दी जल्दी रोना बंद करो। तो पायल उसको ऐसे मारने लग जाती है, मैं कुछ नहीं यूज़ करती। तो ऐसे करके थोड़ा सा रोना बंद करती है और उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है। तो त्रिशा को ऐसे थोड़ा थोड़ा मारने लग जाती है। तो त्रिशा उसको प्यार से हग करती है और बोलती है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। फिर त्रिशा उसे बोलती है यार तुम इतना क्यों रो रही थी, मैंने इतना सा तो बोला था, इतने में इतना कौन रोता है, तुम तो बहुत स्ट्रांग थी गाँव में, क्या हुआ तुमको। तो पायल उसको बोलती है सारी तुम्हारी गलती है, तो तुम्हारी वजह से मैं इतना रोने लगी। तो त्रिशा बोलती है कि मैंने तुमको इतना कुछ बोला भी नहीं था। तो पायल बोलती है यही तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम मुझे इग्नोर करती हो। तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, कितने टाइम तुमने मुझे इग्नोर किया पता है, नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे साथ ऐसे किया ना। तो त्रिशा पूछती है तो पायल फिर रोने की एक्टिंग करने लगती है, ऐसे करने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम मुझे दो चपेट लगा देना, मैं तुमसे अच्छे से बात करने लग जाऊंगी, ठीक है, आई एम सॉरी मैंने तुमको इग्नोर किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं करूँगी। ऐसे करके वो दोनों एकदम क्यूट कपल्स की तरह बात कर रहे होते हैं, और त्रिशा ने बड़े प्यार से पायल को हग कर रखा होता है। और पायल का जैसे ही मूड थोड़ा सा अच्छा होता है, वो एकदम अपनी आंखें अच्छे से पोंछ लेती है, थोड़ा सा कंफर्ट फील करती है। तो त्रिशा बोलती है अच्छा ठीक है, अभी ऐसे स्वीट से मोमेंट पे कुछ सच में स्वीट हो जाए जो तुमने मेरे लिए इतने प्यार से लाया था। ऐसे बोल के वो बाजू से वो जो चॉकलेट होती है वो उठाती है और रैपर एकदम प्यार से खोलती है। तो जैसे ही रैपर थोड़ा खोलती है और चॉकलेट बाहर निकालती है, तो पायल उसे चॉकलेट ले लेती है और एकदम दूसरी साइड हाथ कर देती है ऊपर और बोलती है ये अब तुमको नहीं मिलने वाला, तुम्हारी वजह से मैं इतनी रोई हूँ ना, अब तुम नहीं खाने वाली चॉकलेट। जैसे पायल बोल के चॉकलेट थोड़ा पीछे कर लेती है और थोड़ा सा पीछे जाके एक बाइट खा लेती है, और चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो गई होती है तो अच्छी खासी इसके लिप्स पे भी लग जाती है। ऐसे बोल के पायल फटाफट पीछे पीछे कर रही होती है चॉकलेट और एक दो बाइट ऐसे खाने लगती है, और मस्त त्रिशा के सामने फुल मेल्टेड चॉकलेट एकदम प्यार से खा रही होती है। और त्रिशा बोलती है नहीं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, ऐसे बोल के पास आ रही होती है, तो पायल एकदम पीछे करके रख देती है हाथ वगैरह चॉकलेट। तो त्रिशा बेड के यहाँ पे एकदम पास आ जाती है पायल के, एकदम उसके थोड़ा सा ऊपर साइड आ जाती है और थोड़ा करीब होने लगती है। तो और बोलती है कि अभी चॉकलेट दे रही हो या नहीं, तो उसे पता होता है कि पायल को फीलिंग आ जाती है तो वो डर जाती है और जो भी चीज़ होती है वो उसे हैंड ओवर कर देती है। तो पायल और फिर भी चॉकलेट पीछे करती है, तो त्रिशा उसके और करीब आ जाती है और बोलती है चॉकलेट दे रही हो या नहीं, तो अकेला अकेले खाओगी क्या, मुझे मेरे लिए लाई थी, तुम चॉकलेट दे रही हो या नहीं, ऐसे एकदम स्माइल करके पायल की आंखों में देखती है और करीब आ रही होती है। तो इस बार पायल बोलती है मैं नहीं डरती तुमसे, मैं नहीं देने वाली तुमको चॉकलेट, तुम्हारी वजह से मैं इतनी रोई थी। तो पायल चॉकलेट अपने पीछे ही रखती है और त्रिशा उसके और करीब आ रही होती है बेड पे, बट चॉकलेट देने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो त्रिशा स्माइल करती है, उसके लिप्स की तरफ देखती है, और त्रिशा को बहुत ज़्यादा मन हो रहा होता है इतनी क्लोज आने के बाद किस करने का। तो वो उसके लिप्स पे एकदम प्यार से किस करने लगती है और सिल्क खाने लगती है, वो उसके लिप्स के कॉर्नर्स पे लगी होती है। तो पायल फिर एकदम ऐसे शॉक हो जाती है और हाथ से उसकी चॉकलेट ही नीचे रख देती है, उसका दिल ही इतना चॉकलेट की तरह मेल्ट होने लग जाता है इतनी स्वीट सी किस मिलने के बाद। तो पायल थोड़ी सी एकदम शॉक खड़ी बैठी होती है और थोड़ी पीछे हो जाती है। तो त्रिशा भी किस करने के बाद थोड़ा पीछे होती है और बोलती है थैंक यू, चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वीट थी। तो पायल थोड़ी शॉक होके टर्न होके अच्छे से बैठती है और
कुछ भी नहीं बोलती, और त्रिशा एकदम छोटी सी स्माइल कर रही होती है, उसको तो मजा आ रहा होता है, उसको पता होता है कि उसमें क्या है। फिर पायल टर्न होके बैठती है और थोड़ा सा और जो शॉकनेस होता है, जो कंफर्ट होता है, उससे बाहर आती है और सोचती है कि यार त्रिशा ने क्या किया फिर से, उसने उसने चॉकलेट खा ली थी या क्या कर दिया यार, उसने मुझे किस किया। OMG यार, उस झूले में तो सब थे, इसलिए हम लोग तो ड्रामा कर रहे थे इसकी वजह से, अब तो कोई नहीं है, अब उसने ऐसे कैसे कर दिया। पायल ऐसे सोचने लगती है, बट वो किसी से बहुत अच्छी लगी होती है तो उसका कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी निशा उसको बहुत स्माइल करते हुए देख रही होती है, तो वो बोलती है वो तुमने मुझे किस क्यों किया। तो पायल बोलती है मैंने मैंने कहा तुमको किस किया। तो पायल बोलती है अभी अभी तुमने मुझे किस किया। तो त्रिशा बोलती है मैंने तुमको कुछ किस विस नहीं किया, वो तो मैं चॉकलेट खा रही थी, तुम मुझे चॉकलेट दे नहीं रही थी इसलिए मैं तुमको क्यों किस करूँगी है कुछ भी। तो पायल बोलती है तुम ना अब बहुत शानी बन रही हो, तुमने अभी मुझे किस किया। तो त्रिशा बोलती है अच्छा तो तुमने मेले में क्या किया था। तो पायल शर्मा जाती है और सोचने लगती है, तो त्रिशा क्वेश्चन करने लग जाती है, हाँ बोलो बोलो अब क्या किया था तुमने मेले में, याद करके बोलो। तो पायल बोलती है वो मैं बस कुल्फी खा रही थी। तो त्रिशा बोलती है हाँ तो मैं भी चॉकलेट खा रही थी, तो मुझे चॉकलेट दे ही नहीं रही थी तो इसलिए मैंने खा ली ऐसे, तो उसमें क्या हुआ। तो पायल थोड़ी सी शर्माई हुई होती सोचती कुछ नहीं चलो अब सो जाते हैं। तो त्रिशा बोलने लगती है कि अरे चॉकलेट तो ख़त्म करते हैं, तो अभी तुम मुझे चॉकलेट खिला रही हो या मैं खा लूँ ऐसे। त्रिशा एकदम पायल के लिप्स की तरफ देख के बोलती है, तो पायल फिर एकदम शाय फील करने लगती है, ब्लश हो रही होती है कि क्या बोल रही है ये, बट उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है इसलिए वो कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही होती इस चीज़ को। पायल शाय होके बोलती है हाँ मैं खिला रही हूँ ना तुमको चॉकलेट। तो अभी चुपचाप पायल चॉकलेट उठाती है अपने पीछे साइड से और फिर थोड़ा रैपर और खोलती है और मेल्टेड चॉकलेट त्रिशा को खिलाने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ऐसे, और उसके लिप्स की तरफ देख के बोलती। तो पायल बोलती तो कैसे खाना है तुमको, कैसे मज़ा आ रहा है, कुछ भी बोलने लगी हो यार तुम त्रिशा, क्या हुआ है तुमको। तो त्रिशा बोलती है मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुम ही कुछ और सोच रही हो। तो पायल बोलती मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो, ये ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो तुमको कैसे मज़ा आ रहा है चॉकलेट खाने के लिए। तो त्रिशा बोलती है अरे ऐसे तुम रैपर से खिला रही हो, बाइट ब्रेक करके प्यार से खिलाओ फिर मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए वैसे इतने प्यार से चॉकलेट लाई तो इतना तो कर ही सकती हो। तो पायल अभी शाय होती है, ब्लश हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर हाँ हाँ ऐसे खिलाती हूँ ऐसे बोल के वो थोड़ा यहाँ वहाँ देखती है और फिर चॉकलेट की एक एक बाइट ऐसे ब्रेक करके पायल को त्रिशा को खिलाने लगती है, और त्रिशा भी जानबूझ के उसके फिंगर को भी थोड़ा माउथ में ले रही होती है और थोड़ा प्रेस करके ऐसे सक करके छोड़ रही होती है। तो पायल बोलती है मेरा फिंगर भी खा जाओगी क्या। तो त्रिशा बोलती है अभी क्या करूँ, चॉकलेट तो स्वीट है ही, चॉकलेट खिलाने वाली भी बड़ी स्वीट लग रही है। तो पायल सोचने लगती है क्या हुआ है इसको, वो और ब्लश करने लगती है, शाय होने लगती है इतनी फ्लर्टिंग सुनने के बाद। तो पायल बोलती है तुम्हें समझ आ रहा है ना तुम क्या बोल रही हो, तबीयत ठीक है। तो त्रिशा को याद आता है कि ये ज़्यादा ही कुछ फ्लर्ट हो गया। तो त्रिशा बोलती है हाँ अभी कोई इतने प्यार से चॉकलेट खिला रहा है तो फिर झूठी तारीफ तो करनी पड़ती है ना। तो त्रिशा पायल फिर से गुस्सा हो जाती है कि क्या मतलब तुम झूठी तारीफ कर रही थी, मैं बिल्कुल स्वीट नहीं हूँ ना, मैं स्वीट ही नहीं हूँ। फिर वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है और पायल को बहुत स्वीट लग रहा होता है उसका ऐसे छोटा थोड़ा चिढ़ जाना, सॉरी त्रिशा को। तो पायल और बड़ा बाइट निकालती है और होती है ये लो ठूसो ठूसो, बस चॉकलेट ही ठूसो, तुम चॉकलेट ही स्वीट है, मैं तो स्वीट होती ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम स्पाइसी हूँ हमेशा। ऐसे करके और ज़्यादा ज़्यादा बाइट्स खिलाने लग जाती है पायल त्रिशा को। तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में थोड़ा सा पायल का उंगली भी त्रिशा से बाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके मुंह से आउच ऐसे निकलता है और वो ऐसे उंगली देखने लग जाती है कि तुमने काट दिया मेरी उंगली को। तो त्रिशा उसके ऐसे उंगली देखने लग जाती है, यार रियली सॉरी ये इंटेंशनली नहीं था, तुम ही नहीं, मेरे मुंह में इतने सारे चॉकलेट भरे, स्लो स्लो खिला रही थी ना यार तुम, तो सॉरी यार रियली सॉरी। ऐसे करके त्रिशा एकदम प्यार से पायल की उंगली पे फूंक मारने लगती है और देखने लगती है कि ज़्यादा जोर से हुआ क्या, आई एम रियली रियली सॉरी, ऐसे करके एकदम पास हो रही होती है। तो पायल की भी नज़र अब त्रिशा के लिप्स पे जाती है, वो इतने प्यार से उसकी उंगली पे ब्लो कर रही होती है, फूंक मार रही होती है, तो उसके पिंक लिप्स और उन पे चॉकलेट लगा हुआ होता है। पायल भी एकदम अट्रैक्ट होने लगती है इतने क्लोज होके, वो भी थोड़ा थोड़ा क्लोज जाती है और फिर त्रिशा
वो थोड़ा क्लोज आ रही होती है तो थोड़ा ऊपर देखती है पायल की तरफ, तो पायल एकदम शर्मा जाती है और फिर पीछे हो जाती है और फिर दूसरी साइड देख के सोचने लगती है मैं क्या करने जा रही थी, हे भगवान। पायल बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और फिर बोलती है बस ठीक हो गया दर्द, अभी तुम छोड़ दो, अब नहीं हो रहा पेन कुछ, चलो चलो सो जाते हैं। तो अब त्रिशा भी सोचने लगती है कि ये किस करने के लिए पास आ रही थी क्या, समझ नहीं आया इतनी शाय होके इतनी जल्दी सोने कैसे चली गई है। त्रिशा ऐसे सोचने लगती है उतने में पायल फटाफट से लाइट ऑफ करती है और दूसरी साइड फेस कर देती है और बहुत ज़्यादा शाई फील कर रही होती है कि मैं क्या कर रही थी, मैं उसको किस करने के लिए क्यों आगे जा रही थी। इस साइड त्रिशा भी टर्न होती है और सोचने लगती है यार ऐसे सो के एकदम उस साइड सो टर्न होके सो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगी है मुझसे, क्या यार हम लोग तो हक करके सोते हैं ना, एक ऐसे तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। त्रिशा एक साइड से ऐसे सोचती है और पायल सोचती है यार मैं क्या कर रही थी, बट क्या पता अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। शिट 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 पायल तू क्या सोचने लगी, तेरे को क्या अच्छा लग रहा है, कुछ भी पहले ये सब निकाल दिमाग से, काम डाउन ऐसे खुद को काम कर रही होती है पायल। वहाँ से त्रिशा को बिल्कुल भी अकेले नींद नहीं आ रही होती, तो वो सोचती है मैं इसे रोज़ की तरह पीछे से ना इसे हक कर लेती हूँ, ये भी तो हर रोज़ मुझे करती है तो मुझे भी करना चाहिए ना, मेरा भी हक बनता है, करूँ या नहीं इसे अच्छा लगेगा क्या, लगेगा ऑब्वियस मैंने किस कर दिया, तो भी कुछ ये नहीं लिया उसने ऑब्जेक्शन, कोई अगर नहीं होता तो फिर वो चिल्ला देती ना, वो उसने चिल्लाया नहीं मुझे, हक करूँ या नहीं ऐसे त्रिशा सोचती है और फिर थोड़ा बेड की साइड से सरकती है पायल की तरफ और पायल टर्न होके उस साइड थोड़ी लेटी पड़ी होती है, वो भी बहुत शाई फील कर रही होती है। त्रिशा पीछे से आती है और एकदम प्यार से पायल के कमर में ऐसे हाथ डालती है और ऐसे हक करके उसके एकदम क्लोज हो जाती है, तो पायल की सांसें एकदम फास्ट फील होने लगती है, वो एहसास उसके लिए एकदम न्यू होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। वो थोड़ा टर्न हो के देखती है तो त्रिशा जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो पायल देखती है अरे ये सो रही है, सोते सोते मुझे हक किया है इसने, नहीं बोलती हूँ यार निकालने के लिए लेकिन मुझे बहुत अलग ही फील हो रहा है, पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये हक करती है। तो ऐसे सोच के पायल भी एकदम स्माइल करती है और फिर उसे लग रहा होता है कि त्रिशा सो गई है, वो और टर्न होती है और टाइटली प्यार से त्रिशा को हक करके सोती है। ऐसे ही दोनों की नाइट बहुत ज़्यादा स्वीटली कटती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो त्रिशा को थोड़ा जल्दी उठने की आदत होती है, तो उसकी आँख जल्दी खुल जाती है, तो जैसे ही आँख खुलती है उसकी बाहों में प्यार से पायल उसे सामने दिखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठ के उसके फेस पे एकदम क्यूट सी स्माइल आ जाती है, वो एकदम प्यार से पायल के बाल जो होते हैं उसमें हाथ फेराने लगती है, उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रेट होते हैं तो त्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो ऐसे ऊपर से हाथ फेर रही होती है तो पायल को भी नींद में बहुत अच्छा लग रहा होता है कोई उसके सर के ऊपर से हाथ फेर रहा है, तो ऐसे नींद में थोड़ी सी वो डायरेक्ट आंखें खोल देती है कि कौन है ऐसे देखने के लिए, तो सामने वो देखती है कि त्रिशा उसके बहुत क्लोज होती है, तो भी ऐसे उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो त्रिशा भी देखती है कि अरे इसने आंखें खोल दी है, तो वो अपना हाथ पीछे करती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। पायल थोड़ी नींद में होती है, थोड़ी थोड़ी आंखें ऐसे बंद करती है खोलती है, त्रिशा शाय फील करके थोड़ा पीछे होती है, डगमगा जाती है और हड़बड़ी में बोलती है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अच्छा तुम उठ गई पायल, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती है फ्रेश होने के लिए। पायल उठती है और सोचती है ये क्या कर रही थी मेरे बालों में ऐसे यार ऐसे भाग गई जैसे कि शर्मा रही है मैं उठ गई, तो पता नहीं यार ये क्या चल क्या रहा है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है हम दोनों में कुछ ऐसा है क्या, त्रिशा की तरफ से है, नहीं नहीं यार वो तो इतनी ऑफिसर है, नहीं उसका तो सपना होगा कोई तो एक मस्त प्रिंस एक अच्छा सा, पायल तू ही कुछ ज़्यादा सोच रही है, चल अपने ड्रीम लैंड से बाहर निकल और उठ जा। ऐसे सोचते हुए पायल उठ जाती है, बट सुबह सुबह त्रिशा का फेस देख के भी वो भी इतने क्लोज, उसके भी फेस पे बहुत क्यूट सी स्माइल होती है। फिर ऐसे ही थोड़े टाइम में त्रिशा फ्रेश होके बाहर आती है, फिर पायल भी फ्रेश होने जाती है नहाने जाती है और फिर बाहर आ जाती है और दोनों भी ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत स्वीट सी गपशप करते हैं, बीच में त्रिशा पायल से बहुत क्यूटली फ्लर्ट भी करती है और ये सब चीज़ें पायल को अब बहुत पसंद आने लगी होती है और त्रिशा तो एकदम उसके प्यार में रंग ही गई होती है, उसको अब जैसे कि पायल के बिना उसका दिन ही नहीं जाएगा, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई होती है पायल भी। फिर ये लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करती है त्रिशा इस बार, अब रोज़ रोज़ तो
फॉर्मल्स नहीं पहन सकती, तो आज वो अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रही होती है। पायल भी बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करती है और रेडी हो जाती है, और पायल को त्रिशा यूनिफॉर्म में बहुत पसंद आती है। वो बार बार ऐसे सोच के रिग्रेट फील करने लगती है, यार इसकी पर्सनैलिटी कितनी सुपर्ब लगती है यार, ये क्यों लड़का नहीं है, मैं तो सबसे पहले रिश्ता मांगने जाती हूँ इसके घर पे। उसके दिल में ऐसी अजीब गरीब थॉट चल रहे होते हैं, और त्रिशा थोड़ी हड़बड़ाहट में होती है क्योंकि उसको भी जल्दी पहुँचना होता है काम पे। तो वो बोलती है कि चलो 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 जल्दी, तुम रेडी हो गई ना? तो पायल बोलती है, यार मैं हमेशा अभी जल्दी जाने लगी हूँ, मेरा कॉलेज तो थोड़ा लेट होता है ना। तो त्रिशा बोलती है, यार बट आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे लेट हो जाएगा, तुम फिर पीछे से चले जाओगी क्या आज कॉलेज में? तो पायल बोलती है, नोप, चुपचाप बैठो मैं आ रही हूँ, आई बड़ी पीछे से चले जाऊंगी, तुमको पता है ना हर रोज तुम ही मेरी ड्राइवर हो, मुझे छोड़ने भी तुम ही आओगी और पिकअप करने भी तुम ही आओगी। तो त्रिशा बोलती है, OMG ड्राइवर बना दिया तुमने मुझे। तो पायल पहले की तरह बिल्कुल शर्माती वगैरह नहीं है, डायरेक्ट बोलती है, हाँ, फुल हक से दादागिरी करने लगती है, क्योंकि उनमें जो रिश्ता बना होता है वही ऐसे प्यार बना बना होता है, दोनों भी थोड़े झल्ले होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि इतने राइट्स इतना प्यार कौन से रिलेशनशिप में होता है। अब त्रिशा को तो भनक लग गई होती है, बट फिर भी पायल तो फिर वाइफ की तरह बिहेव करती है, बट उसको पता नहीं होता और आगे एक्सेप्ट भी नहीं करना होता, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फिर पायल ऐसे बोलती है और त्रिशा भी स्माइल करके बोलती है, ठीक है जल्दी रेडी हो जाओ। फिर ऐसे ही ये लोग फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। इस बार त्रिशा को थोड़ा सा काम पे जल्दी जाना होता है, तो वो फटाफट से पायल को ड्रॉप करती है और अपने काम पे चले जाती है। और पायल यहाँ पे कॉलेज में एंटर होने के बाद फिर वही सब शुरू हो जाता है। उन सीनियर्स और उसके क्लासमेट के भी जो खराब बच्चे होते हैं उनको पायल की रैगिंग करने में मज़ा आ रहा होता है, तो जानबूझ के उसके डेस्क के यहाँ पे वगैरह घटिया सी ड्राइंग बनाते हैं उसकी, रोतूडो वाली, और ऐसे चिढ़ा रहे होते हैं उसको। वो एंटर होते ही पेपर बॉल फेंक के मारने लग जाते हैं और फिर ऐसे चिल्लाने लगते हैं, किसने किया ये, किसने किया? तो उसे बहुत घटिया लगने लगता है कि एंटर होते ही ऐसे घटिया चीज़ें शुरू कर देते हैं ये लोग। फिर अमन उठता है और उनको चिल्लाने लगता है कि शट अप, क्या घटिया चीज़ें हैं, और जिस लड़के ने पेपर बॉल फेंका होता है उसको वो चिल्लाने लग जाता है हीरो बनने के लिए। बट पायल इसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो रही होती, उसको तो बस मन कर रहा होता है कि ये कॉलेज जल्दी छूट जाए और मैं त्रिशा से जल्दी मिलूँ। अब उसको त्रिशा की कंपनी इतनी अच्छी लगने लगी होती है कि बार बार उसी के साथ रहने का एकदम ज़्यादा मन हो रहा होता है। यहाँ पे लेक्चर शुरू हो जाते हैं और पायल सोचती है कि अभी तो यार अटेंड करना ही पड़ेगा, तो वो अच्छे से लेक्चर्स में बैठती है और जो भी उसकी रैगिंग हो रही होती है ड्राइंग वगैरह उसका कुछ रिप्लाई नहीं देती, बस इग्नोर करती है। तो वो लोग ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर पाते और जो भी कर रहे होते तो अमन उसे सेव कर रहा होता है, बट पायल इम्प्रेस नहीं हो रही होती क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से इम्प्रेस होती है, किसी को अपना दिल दे चुकी होती है। तो वो बस उसे थैंक्स वगैरह बोलती है और बिल्कुल कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलती क्योंकि उसे डर होता है कि इसे कोई होप्स ना हो जाए। अमन उसे पूछने लग जाता है कि कल कैसा था दिन, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेंड टाइप बना के पूछने लगता है उसको सारी सीनियर्स से सेव करके। तो पायल बोलती है कि एवरेज था यार, बट ये सीनियर्स बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए। तो अमन बोलता है कि क्या क्या हुआ, कुछ तो किया क्या इन लोगों ने? तो फिर अब पायल से रहा नहीं जाता, वो बोल देती है, हाँ यार कल इन लोगों ने ना मेरे बैग में ना प्रोटेक्शन का बॉक्स डाल दिया था, कॉन्डम का। तो अमन बोलता है, शिट यार, फिर तो त्रिशा तो बहुत भड़क गई होगी ना यार ये देख के। तो पायल बोलती है, हाँ ना यार वो बहुत भड़क गई थी, बट फिर उसने ही सॉरी बोला और हम लोगों में सब सॉर्ट हो गया, ऐसे बड़े क्यूट है वो, ऐसे करके उसके फेस पे याद करके एकदम स्माइल आ जाती है। तो अमन को बहुत गुस्सा आने लगता है कि यार इन लोगों में झगड़ा होते ही शुरू ख़त्म हो रहा है तो फिर झगड़ा कैसे कराओ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे कराओ। फिर अमन का मूड ऑफ हो जाता है, लेक्चर शुरू हो जाता है तो वो लेक्चर में ध्यान देने लगता है। यहाँ पे पायल सोचती है कि यार अभी बहुत हो गया लेक्चर, मुझे क्लासेस के लिए आज कुछ भी करके ढूंढने के लिए जाना है बात करने के लिए, तो मैं अभी आधे लेक्चर से निकलती हूँ और अपना जो गोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उस पर भी ध्यान देना है अभी, तो मैं ऐसे ही करूँगी, वैसे भी ये कॉलेज बहुत डेंजर है, मैं बस एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा आऊँगी, बीच बीच में लेक्चर्स अटेंड करने आऊँगी बस, अब मुझे सीनियर जूनियर्स ये जो घटिया लोग हैं इससे कोई मतलब नहीं है। पायल ऐसे लेक्चर में सोच के खुद को रेडी करती है और सरवरी को बता देती है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ अभी, मुझे क्लासेस सर्च करने। फिर सोचती है कि त्रिशा को बुलाऊँ, और नहीं नहीं यार मैं हर रोज़ उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ काम में, आज नहीं बुलाती हूँ, जब वो उसका टाइम होगा तो वो मुझे लेने आएगी ना, बट यार तब तक कैसे रुकूँ यहाँ पे। उतने में शर्वरी बोलती है, यार बट तू आज कैसे जाएगी, आज तो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डे, और
इकोनॉमिक्स का लेक्चर तो लास्ट में, और उसी का असाइनमेंट तो आज सबमिट करना ही है। तुमने देखा ना, डेट दिया था मैम ने कल ग्रुप पे, और जो नहीं सबमिट करेगा उनका नहीं लेने वाली मैम असाइनमेंट। तो फिर पायल बोलती है, यार तो मैं तेरे को दे देती हूँ ना, तू सबमिट कर दे। तो चरवरी बोलती है, अरे नहीं, वो मैम देखती है किसका किसका असाइनमेंट है। को लगता है मतलब फ्रेंड्स एक दूसरे का असाइनमेंट कम्प्लीट करेंगे इसलिए। तो पायल बोलती है, ओके ओके नो वरी, मैं लास्ट लेक्चर से पहले आ जाऊँगी। फिर पायल सोचने लगती है, हाँ फिर त्रिशा भी उतने टाइम में मुझे लेने के लिए आ जाएगी, तो परफेक्ट है, फिर मैं कॉलेज में आ जाऊँगी। ऐसे सोच के फिर पायल कॉलेज के यहाँ से हाफ इस में निकल जाती है, रिसेस होने से पहले। और यहाँ पे अमन वगैरह कुछ नहीं बोलते, सब अपने अपने में होते हैं, और अमन देखता है बट कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इन लोगों में तो झगड़ा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। यार कैसे शुरू करूँ मैं आगे बात, ये मुझे इम्प्रेस भी नहीं होती, ना ट्राई करता हूँ फिर भी। ऐसे अमन सोच में ही डूबा होता है। शर्वरी वगैरह भी उसे सब बाय करते हैं, और सानिया को तो उस पर बहुत गुस्सा होता है, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। संजय भी क्यूट स्माइल करके उसे बाय करता है, और फिर पायल वहाँ से चली जाती है और क्लासेस ढूंढती है, और उसे एक अच्छा सा क्लासेस जो शर्वरी ने रेफर किया होता है वो मिल जाता है, तो उसमें एडमिशन ले लेती है। यहाँ पे त्रिशा का भी लंच टाइम चल रहा होता है, तो फिर वो एकदम प्यार से पायल को मैसेज करने लगती है, और फिर फ्लर्ट करते करते चैट कर रही होती है, और पायल भी ऐसे ही कर रही होती है, और इनकी फ्लर्ट भरी चैट फिर से शुरू हो जाती है। और एक दूसरे की कंपनी ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। फिर आफ्टर ऑल इनका सबर ख़त्म होने वाला होता है, आधा घंटा ही होता है। पायल फटाफट से अपने कॉलेज की तरफ जाती है, कॉलेज में जाती है अपना असाइनमेंट लेके, और मैम के पास सबमिट करके आती है, और वहाँ से त्रिशा को फ़ोन करने लगती है कि तुम आ रही हो ना। तो त्रिशा उसे बोलती है, ये क्या पूछने वाली बात है, तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही हूँ, गेट के यहाँ पे हूँ। तो पायल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फटाफट सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तो उसे सताने के लिए सीनियर्स ने और प्लान कर रखा होता है, तो जैसे ही वो नीचे आ रही होती है तो कुछ सीनियर्स ऊपर जाते हैं एक बाल्टी लेके, और उसमें आटा रखा होता है। तो वो नीचे आती है, और वो सीनियर्स परफेक्ट ऊपर से उसके सर के ऊपर वो आटे वाली बाल्टी उल्टी करते हैं, तो उसके सर पे ऐसे पूरा आटा आटा होने लगता है, वो ऐसे देखने लगती है कि क्या है ये। फिर नीचे आते हैं, और जो बाजू में भी आटा होता है वो भी उसके ऊपर डालने लग जाते हैं कुछ लड़के लड़कियाँ। तो ये देख के पायल को बहुत, त्रिशा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और एक लड़का तो बहुत ज़्यादा आगे आगे आके उसके सर पे आटा डाल रहा होता है। पायल चिल्ला रही होती है, प्लीज़ स्टॉप इट, क्या चल रहा है, ये क्या घटिया चीज़ें करते रहते हो तुम। बट लोग बस मज़े ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और उसे सता रहे होते हैं। पायल ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले रही होती, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर ये मैटर मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गया तो मेरी मम्मी तो जिद कर देगी कि वापस आना है। तो वो चुपचाप बस थोड़ा सा चिल्ला रही होती है, बट दूर से त्रिशा को भी ये दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वो गेट के यहाँ पे होती है, तो वो थोड़ा अंदर आ जाती है कॉलेज के, और वॉचमैन भी उसे नहीं रोकते क्योंकि उसने इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी होती है। तो वो बहुत गुस्से में आगे बढ़ती है, और पायल भी देख लेती है कि अभी इसने देख लिया है, तो अब पायल को टेंशन होने लग जाता है कि अगर इसने और यहाँ पे कुछ किसी को किया तो फिर ये मैटर प्रिंसिपल सर के रूम के यहाँ पे जाएगा, फिर ये सीनियर्स, ये यार ये घटिया लोग फिर मुझसे रिवेंज करने के लिए कुछ और प्लान करेंगे। तो पायल ऐसे थोड़ा सा त्रिशा को बोलती है कि चलो चलो यहाँ से, तो उसके ऊपर आटा पड़ा होता है पायल के ऊपर, तो देख के त्रिशा को और गुस्सा आ रहा होता है, और वो लड़का बहुत हंस रहा होता है, एक जो और ज़्यादा आटा डाल रहा होता है ना वो। तो त्रिशा उस लड़के का के पास जाती है, और एकदम ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है कि क्या है ये सब, क्या चल रहा है। हाँ तो फिर अब त्रिशा ने पहन रखी होती है इंस्पेक्टर की वर्दी, तो वो लड़का भी डर जाता है कि ये तो मैम चिल्लाने लगी। तो फिर वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं हम लोग बस मस्ती कर रहे थे, ऐसे कुछ पर्पसली नहीं था मैम, हम लोगों की तो ऐसे मस्ती चलती रहती है। वो उस कॉलेज का सबसे डेंजर लड़का होता है, शरारती, बट थोड़ा सा डर सा जाता है क्योंकि पुलिस केस किसी को भी नहीं चाहिए होता। तो वो लड़का बोलने लगता है ना पायल, हम लोग बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे यार, बोलो ना इनको। तो पायल बोलती है कि हाँ ये तो बस मजाक कर रहे थे त्रिशा, हम लोगों में ऐसे मजाक चलते रहते हैं, इतना कुछ नहीं। तो त्रिशा बोलने लगती है कि मजाक लिमिट तक होते हैं, ये लोग तुम्हारा मजाक बना रहे थे पायल, एंड आई कॉन्ट टॉलरेट दिस। तो ऐसे बोल के त्रिशा और फिर से उस लड़के को गुस्से से घूरने लगती है, तो वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, और वो बोलने लगते हैं, वो त्रिशा को पहचानते हैं, तो बोलने लगते हैं, अरे मैम हेलो आप यहाँ पे। तो फिर त्रिशा बोलती है कि मैम आपने क्या डिसिप्लिन सिखाया आपके बच्चों को, ये लोग मिलके एक लड़की को ही चढ़ा रहे हैं, ये डिसिप्लिन है।
ऐसे एक लड़की के साथ ही मजाक करे, दिस इज़ नॉट गुड मैम, वो पूरा रैगिंग की तरह दिख रहा है, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाइए इनको। त्रिशा उस मैम से थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली बात करने लगती है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, तो वो मैम उस लड़के को चिल्लाने लगती है, तो वो लड़का आर्ग्यू करने लगता है कि हम लोग बस मस्ती कर रहे थे, गलती से गिर गया था आटा तो फिर इतना इशू कर रहे। तो त्रिशा को गुस्सा आ जाता है, वो और चिल्लाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है, कुछ कर नहीं रही होती गुस्से से, तो लड़का एकदम डर जाता है। तो पायल वगैरह सब उसे बोल रहे होते हैं कि त्रिशा चलो घर जाते हैं, बट त्रिशा बिल्कुल सुन नहीं रही होती, तो पायल एकदम उसका हाथ पकड़ती है और गुस्से में उसे वहाँ से लेके आती है, तो बस वो पायल का सुनती है और रुक जाती है। पायल एकदम वाइफ की तरह उसको ऐसे गुस्से में पकड़ के कैसे तैसे करके वापस लेके आती है। त्रिशा कार ड्राइव करते करते भी पायल को बोलती है कि यार ये लोग आई गेस तुम्हारी रैगिंग कर रही, इसको मजाक नहीं बोलती, एक का ही मजाक बना रहे सब मिलके, ये नहीं होता, और इतना घटिया मजाक, तुम्हारे सारे कपड़े ख़राब कर दिए उन्होंने। तो पायल बोलती है अरे चिल चिल चिल, हाँ हम लोग में चलता है, मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा। पायल को ये मैटर बढ़ने नहीं देना होता, इसलिए वो ऐसे बोल देती है, और वो त्रिशा को बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो बस मस्ती थी और कुछ नहीं, मैं भी उनके साथ करती हूँ ऐसे कुछ, हम लोगों में होता रहता है। तो ऐसे करके पायल बहुत त्रिशा को समझाती है, बट त्रिशा के दिल में कहीं ना कहीं तो रह जाता है कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको परेशान करते हैं क्या, शायद सच में, क्योंकि घर आके भी इसका मूड ऐसे ही फ्लॉप रहता है। मुझे देखना पड़ेगा ये क्या क्या है ये मैटर, ऐसे करके त्रिशा ड्राइव कर रही होती है सोच के, बट उसका मूड उकड़ा उकड़ा ही होता है। तो पायल सोचती है कि कैसे ठीक करूँ इसका मूड, तो वहाँ पे वो हवा देख रही होती है, तो उसे सामने दिखता है कि एक कैफ़े है उसके साइड से, तो वो बोलती है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गाड़ी रोको ना। तो फिर त्रिशा कार रोक देती है, पायल उतरती है कार में से और फिर कैफ़े की तरफ जाती है, तो त्रिशा को समझ आ जाता है कि हमारे लिए कॉफ़ी लेने गई है, तो उसके फेस पे स्माइल आती है। तो ऐसे ही हवा देख रही होती है, तो उसके विंडो के कार के विंडो के साइड से उसको एक लड़की दिखती है जो बहुत मस्त डांस कर रही होती है, वो रील्स वगैरह शूट कर रहे होते हैं, कुछ वीडियो बना रहे होते हैं। तो त्रिशा ऐसे ही देखने में मग्न होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है डांस। तो थोड़े टाइम में पायल आती है वहाँ से दोनों के लिए कॉफ़ी लेके, तो फिर वो जैसे ही एंटर करती है तो त्रिशा का ध्यान नहीं होता उसकी तरफ, वो तो डांस देखने में थोड़ी सी बिजी होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है वो डांस। तो पायल यहाँ पे से एंटर होती है और वो देखती है कि उस लड़की को क्यों इतना देख रही है, तो उसे गुस्सा आने लग जाता है, वो त्रिशा को आवाज़ लगाती है जानबूझ के ऐसे करती है ओह, तो फिर त्रिशा का ध्यान ही नहीं होता, वो अच्छा खासा सॉन्ग के साथ डांस एंजॉय कर रही होती है। ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इतनी बार टेक शॉट कट शॉट ऐसे करते हैं, तो वो सब देख रही होती है। तो पायल को गुस्सा आ जाता है कि तो चिल्ला के बोलती है क्या देख रही हो तुम, क्या है वहाँ पे, बस तुमको लड़कियाँ देखनी है क्या, चल क्या रहा है ये, ठीक तो हो ना। तो ये सुनने के बाद त्रिशा ध्यान देती है और उसे बड़ी हंसी आ जाती है कि इसको छोटी छोटी चीज़ों से भी जेलसी होने लगती है। तो त्रिशा बोलती है कि यार कितना सुंदर डांस कर रही है, देखो वो लड़की इतने अच्छे से ढुमके लगा रही है, ट्वर्क कर रही है। तो ऐसे करके त्रिशा देख रही होती है, तो पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उस लड़की ने ये शॉर्ट स्कर्ट पहना होता है और टी शर्ट भी उसका क्रॉप होता है। तो वो जानबूझ के त्रिशा के आइस के यहाँ पे से हाथ रख देती है, तो फिर त्रिशा बोलती है क्या है ये, तो पायल बोलती है कि कुछ नहीं बस कॉफ़ी पियो, तो रीज़न तो नहीं बताती ऐसे क्यों कर रही है, बट त्रिशा की फेस पे बड़ी स्माइल आ रही होती है ये देख के। तो वो भी ज़्यादा नहीं पूछती और चुपचाप पायल ने जो कॉफ़ी लाई होती है वो पीने लग जाती है, और पायल भी कॉफ़ी पीती है। तो त्रिशा बोलती है चलो अब, तो फिर पायल बोलती है, तो त्रिशा बोलती है एक मिनट देखने तो दो और स्टेप्स बाकी है डांस के। तो त्रिशा पायल ऐसे उसको घूरने लगती है तीखे प्यार वाली नज़रों से, तो फिर चुपचाप त्रिशा कार ऑन करती है और वहाँ से निकलने लगते हैं, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर घर जाने के बाद पायल सबसे पहले नहाने जाती है, बिकॉज़ उसके बालों में थोड़ा सा आटा चला गया होता है और फेस पे भी लगा हुआ होता है थोड़ा सा, उसने साफ़ तो कर लिया होता है बट फिर भी, तो वो अच्छे से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। पायल त्रिशा भी फ्रेश होती है और फिर जो उनके मेड ने खाना बनाया होता है वो दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पे सर्व करके रखती है, और फिर दोनों ही पायल भी बाहर आते हैं और दोनों भी खाना खा लेते हैं।
खाना खाने के बाद भी 8:30 9 ही बजे होते हैं, तो फिर त्रिशा को याद आता है अरे आज तो मैच लगेगा, तो वो फटाफट टीवी ऑन करती है और सोफे के सामने जाके बैठ जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैच देख रही होती है। और पायल को तो मैच में कुछ समझता नहीं है इतना, उसको पसंद नहीं होती ज़्यादा, मतलब समझ आता है बट उसे पसंद ही नहीं होता, तो वो उसे बात कर रही होती है यहाँ पे देखो ना, ओए देखो ना मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं, मैंने नया नेल आर्ट किया था, देखो 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 ऐसे करके पायल त्रिशा के सामने उसकी फिंगर्स ला रही होती है बार बार और हैंड ऐसे दिखा रही होती है, पर त्रिशा ऐसे साइड साइड करके फेस मैच ही देख रही होती है और वो यस ऐसे करके चिल्ला रही होती है मैच जीत रहा होता है। तो पायल थोड़ी गुस्सा करने लगती है कि क्या मेरी नेल आर्ट भी नहीं देख रही, मैंने इतनी प्यार सी न्यू नेल आर्ट किया है, इसको देखना ही नहीं है, इसको बस टीवी और रील, अरे नहीं रील नहीं वो लड़की देखनी है ना, अभी मैं इसके साथ रील करूँगी, तुम रुको ज़रा, ऐसे पायल सोच के फिर कुछ फनी रील्स देखने लगती है और सोचती है आज मैं क्या करूं। तो उसको फटाफट से एक आइडिया आता है, फिर वो एक जगह पे फ़ोन सेट कर देती है और फिर त्रिशा के बाजू में आके बैठ जाती है, तो त्रिशा तो एक साइड ही बैठी होती है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रही होती, तो उसको गुस्सा आ रहा होता है ये कोऑपरेट ही नहीं कर रही, वो उसका फेस अपनी साइड टर्न करा रही होती है, बट त्रिशा तो मैच में एकदम गुम होती है, तो पायल सोचती है नहीं यार ये इस साइड थोड़ा टर्न नहीं होगी तो इसकी फेस रिएक्शन अच्छे से नहीं आएंगे, तो पायल सोचती है क्या करूँ मैं, तो पायल एकदम प्यार से त्रिशा के ईयर्स की यहाँ पे फूकने लगती है, तो त्रिशा को बहुत गुदगुदी सी फील होती है, वो ऐसे पायल की तरफ देखती है और उसको थोड़ा पीछे करती है क्या कर रही हो तू, तो फिर से पायल वैसे ही करने लग जाती है, तो त्रिशा फिर थोड़ा स्माइल करती है उसकी तरफ देखती है, तो पायल सोचती है हाँ काम बन रहा है काम बन रहा है, फिर पायल उसको थोड़ा पीछे, त्रिशा उसको थोड़ा पीछे करती है और फिर मैच देखने लगती है, तो पायल सोचने लगती है क्या है यार ये लड़की ध्यान क्यों नहीं दे रही मुझे, मुझे नहीं बात करनी, उसको भी चिड़चिड़ होने लगती है, तो ऐसे रोने की तरह एक्टिंग करने लग जाती है वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती, तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और उसे बड़ी हंसी आती है उसका ऐसे फेस देखने के बाद, तो त्रिशा चुपचाप मैच बंद करती है और उसकी तरफ टर्न होके बैठ जाती है थोड़ी सी और देखने लगती है, तो त्रिशा पायल को बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी मैंने देखो मैच बंद कर दी अब चलो ये रोना बंद करो, तो वो पायल जो झूठा मूठा ऐसे करके रो रही होती है वो रोना बंद कर देती है और स्माइल करती है, त्रिशा उसकी तरफ टर्न हो जाती है और एक पाँव ऐसे सोफे पे रखती है एक नीचे रख के वो देख रही होती है कितनी नौटंकी हो ना तुम, ऐसे बोल रही होती है, तो पायल एक क्यूट सी स्माइली लुक देती है और अपना हाथ थोड़ा पीछे करती है, तो त्रिशा बोलती है वैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके फ्लर्ट कर रही होती है, तो पायल भी प्यार से बोलती है अच्छा तो मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो त्रिशा ऐसे नाना करती है फिर हाँ हाँ करती है ऐसे करके उसे छेड़ रही होती है, बोलते बताओ ना तुमने ना किया ना तो बस तुम देखना चलो हाँ करो हाँ बोलो चलो मुंडी हिला, तो त्रिशा हंसती है और ऐसे नाना टाइप मुंडी हिला रही होती है, तो पायल थोड़ा सा स्माइल करती है आगे बढ़ती है और बोलती है हाँ बोलो हाँ बोलो, और पीछे से कुछ उसके हाथ में होता है वो लेती है और उसके त्रिशा के डायरेक्ट पाँव पे लगा देती है, उसका पाँव उसके पास ही होता है आगे ही होता है, तो वो जल्दी से इजीली वो लगा देती है, तो त्रिशा बोलने लगती है वही तुमने क्या लगाया मेरे पाँव पे, वैसे देखने लगती है और वो एक वीट की वैक्स की स्ट्रिप होती है जो उसके पाँव पे लगा देती है, तो वो शॉक में पड़ जाती है अरे यार ये वैक्स स्ट्रिप लगाई है तुमने पायल, तुम ना बहुत वो, तो पायल एकदम उस स्ट्रिप को पकड़ी हुई होती है, तो त्रिशा उसको देखती है और बोलती है कि नहीं पायल नो नो नो, पायल जोर से वैक्स स्ट्रिप खींचती है और त्रिशा के जो डेंजर रिएक्शन होते हैं उसको बहुत पेन होता है और वो एकदम चिल्लाने लग जाती है और वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, तो पायल अपना फ़ोन लेती है और बोलती है वाह कितने मस्त एक्सप्रेशन दिए है तुमने, एकदम मस्त रील बनेगी ना इसको एडिट करके डालूंगी मैं, फिर पायल ऐसे फ़ोन में कुछ कर रही होती है वो वीडियो अच्छे से देख रही होती है, तो त्रिशा आती है और उसका फ़ोन छीनने लगती है, तो पायल ऐसे पीछे पीछे करके भागने लगती है और फिर बैठ के आजू बाजू में भागने लगती है, तो त्रिशा भी उसका फ़ोन छीनने के लिए ऐसे पास पास आती है और पीछे बैठ होता है, तो पायल पीछे गिर जाती है फ़ोन के साथ और त्रिशा भी उस पायल के पाँव में पैर अटक जाता है तो उसके ऊपर गिर जाती है, और त्रिशा पायल के ऊपर होती है और पायल नीचे और दोनों भी ऐसे एकदम अलग सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, दोनों भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और त्रिशा पायल के ऊपर होती है तो थोड़ा उठने के लिए ट्राई कर रही होती है बट बेड एकदम बाउंसी है सॉफ्ट होता है तो वापस गिर रही होती है, और वो ऐसे गिर के इतना क्लोज हो रही होती है तो पायल की नज़र उसके लिप्स पे जाके थम जाती है, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है पिंक लिप्स देखने के बाद किस करने के लिए, ऊपर से त्रिशा का परफ्यूम पायल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो
वो थोड़ा क्लोज क्लोज जा रही होती है और त्रिशा का ध्यान नहीं होता, तो वो थोड़ा पीछे होके उड़ जाती है, तो पायल को ध्यान आता है यार मैं फिर क्या करने जा रही थी। तो पायल भी थोड़ी सी शाइनेस ऑकवर्ड सिचुएशन में उठती है और बोलती है चलो सो जाते हैं। तो त्रिशा बोलती है कि क्या सो जाते, तुमने जो वीडियो बनाई है वो डिलीट करो पहले। तो पायल अब थोड़ी शाई फील कर रही होती, तो ज़्यादा मस्ती नहीं करती, बोलती है हाँ मैं डिलीट कर दूंगी। तो त्रिशा बोलती है पक्का ना, तो पायल बोलती है हाँ। तो त्रिशा बोलती है ठीक है ठीक है। तो पायल फिर शाय होते हुए फ़ोन में देखने की एक्टिंग करने लगती है और बेड पे आके लेट जाती है सोने के लिए। तो त्रिशा सोचती है अभी ये तो सोने के लिए जा रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, अभी क्या करूँगी। तो वो भी अपना फ़ोन लेती है और बेड में घुस जाती है सोने के लिए बाजू में। तो वो रील स्क्रॉल कर रही होती है, तो फिर वो जो सुबह उसने लड़की डांस करते हुए देखी होती है उसकी रील आ जाती है। तो वो स्क्रॉल करते हुए ऐसे देखने लगती है, पायल पायल देखो ये वही लड़की है ना हम लोगों ने सुबह देखा था, वो रील बना रही थी, देखो कितनी मस्त बनी है उसकी रील। तो पायल फिर उसे घूरने लगती है कि क्या है ये, इसकी रील क्यों पसंद आती है, क्योंकि वो लड़की उनके एज के जितने ही लग रही होती है 24 25, तो इसलिए पायल को उसे भी जेलेसी होने लग जाती है। तो वो ऐसे त्रिशा की तरफ घूर के देखने लगती है, तो त्रिशा बोलती है कि अरे इतना मस्त तो डांस कर रही है इसलिए मुझे पसंद आ रही है। तो पायल बोलती है कि पक्का ना बस डांस के वजह से ना, ठीक है देख लो खुश हो जाओ। तो त्रिशा जानबूझ के बोलती है नहीं यार वैसे उसके चीक्स भी बड़े स्वीट है। तो पायल ऐसे घूरने लग जाती है, तो त्रिशा जानबूझ के फ़ोन बाजू में रखती है और बोलती है यार वो जो डांस कर रही थी ना ट्वर्क कर रही थी उसकी कमर तो बहुत ही मस्त लग रही थी। तो ऐसे बोल के त्रिशा और पायल को गुस्सा दिलाने लग जाती है। फिर पायल ध्यान नहीं दे रही होती जानबूझ के, हवा देखने लगती है। तो त्रिशा उसकी साइड टर्न होती है, फेस करती है और उसको और पोक करने लगती है, यहाँ देखो ना यहाँ पे टर्न हो, उसको ऐसे खुद की साइड फेस कराती है टर्न करके, और बोलती है कि यार उसके कमर तो जो मस्त थी ना, वो जो डांस में कमर हिला रही थी सच में एकदम डिलीशियस। तो पायल बोलती तुम ना बहुत डेविल हो एक नंबर की। पायल को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है बट त्रिशा बात करते करते एकदम क्लोज होती है, तो ऑलरेडी पायल की नज़र त्रिशा के लिप्स पे जा रही होती है। उसके पिंक लिप्स पायल को इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो दूसरी साइड देख रही होती है, फिर उसका मन कर रहा होता है कि लिप्स के पास देखूँ। तो त्रिशा को तो ध्यान नहीं होता, वो तो बस बोले जा रही होती है बोले जा रही होती है स्माइल करते हुए, और पायल बस उसके लिप्स को देख रही होती है उसके स्माइली फेस को देख रही होती है। उसे बहुत मन करने लगता है, इतने क्लोज होते हुए भी किस नहीं कर सकते, उसे बहुत किस करने का मन होता है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं अरे मैं क्या कर रही हूँ। वो थोड़ा सा क्लोज जाके फिर थोड़ा रुक जाती है, और त्रिशा तो अपना बात करने में ही बिजी होती है, वो बोले जा रही होती है। और पायल को तो बहुत रोमांटिक मूड होता है, उसने रील्स भी रोमांटिक देख रखे होते हैं, तो उसको वो लिप्स देख के रहा ही नहीं जा रहा होता। तो वो कुछ खुद को कैसे तैसे करके रोकती है और फिर ऐसे नीचे देखने लगती है कि वहाँ पे ध्यान ना जाए। तो नीचे देखती है तो त्रिशा की नेक पे उसकी नज़र पड़ती है, तो नेक को देख के भी पायल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। उसका जो नेक बोन होता है वो इतना क्यूट लग रहा होता है, सेक्सी लग रहा होता है। तो पायल को वो मूवी याद आने लगती है, उसमें वो जो कपल्स बहुत ज़्यादा स्वीट किस कर रहे थे, लव बाइट दे रहे थे, तो फिर वो ऐसे सोचने लगती है कि उस मूवी में वो सीन क्या था। तो वो सोच के उसको और ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी उस सीन की तरह मुझे भी ऐसे जाके डायरेक्ट अटैक करना है पायल त्रिशा की नेक पे, कितनी स्वीट लग रही है, ऐसे करके वो बस देख रही होती है। और यहाँ पे पायल बोले जा रही होती है देखो तो वो लड़की देखो रील में कितना अच्छा डांस कर रही है तुम कर सकती हो। तो त्रिशा का तो ध्यान नहीं, पायल का तो ध्यान ही नहीं होता, वो उसको रहा ही नहीं जाता, ऐसे बोलते बोलते त्रिशा और आगे बढ़ रही होती है रील दिखाते, तो इतना कम फासला होता है उन दोनों में कि उनको सांसें फील हो रही होती। तो पायल को रहा ही नहीं जाता, वो उसको त्रिशा की नेक एकदम उसके पास होती है क्योंकि त्रिशा थोड़ी सी ऊपर होती है उससे, तो वो डायरेक्ट त्रिशा के नेक पे किस करने लगती है, सब करने लगती है जैसे वो मूवी में हो रहा होता है एक ही जगह पे। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद सक करने के बाद किस करने के बाद पायल को याद आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा पीछे होती है और त्रिशा तो एकदम शॉक हो जाती है, उसे भी एकदम फीलिंग्स आ जाती है, वो सोचती है ये क्या हुआ।
पायल ने मुझे नेक पे किस किया, लव बाइट या OMG। वो एकदम पहले शॉक में होती है, फिर उसे सोचने लग जाती है। और यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है कि मैंने क्या कर दिया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो त्रिशा उसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं करती और पायल डर के मारे बोलने लग जाती है, वो मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुम उस लड़की की तारीफ क्यों कर रही थी, तो मुझे मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने ऐसे मार्क बना दिया, ये तुम्हारी गलती है, मैंने पनिश किया है तुमको और कुछ नहीं। तो त्रिशा बस स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ये पनिशमेंट है, ओके। तो पायल एकदम शर्माते हुए बोलती है हाँ हाँ बस, ऐसे करके उसके मुंह में शब्द ही अटक रहे होते हैं, वो बहुत शाय फील करने लगती है कि मैंने क्या कर दिया। तो त्रिशा बस स्माइल करती है और पायल सोचने लगती है कि और अब ये कुछ और ना पूछे यार, मैंने ये कैसे, मेरे को ये करने का मन हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ क्या यार, मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, कैसे फीलिंग्स अराइज हो रही है मुझ में। पायल ऐसे सोच ही रही होती है उतने में वहाँ से त्रिशा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा अब तुमने मुझे पनिश किया ना, वो भी मेरी ज़्यादा कुछ गलती भी नहीं थी, अब मैं तुमसे रिवेंज लूँगी, तुमने कितना बड़ा मार्क बना दिया मेरे नेक पे, अब मैं भी करूँगी, अब तुम्हारा टर्न है। ऐसे करते करते त्रिशा भी आगे बढ़ने लगती है, तो पायल बोलती नहीं 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 पायल को एकदम शर्म आने लगती है, वो ऐसे बोलने लगती है और थोड़ा पीछे जाने लगती है, तो त्रिशा और करीब आती है, तो पायल को अलग से गुदगुदी फील होती है और बहुत शाइनेस फील हो रही होती है, वो एकदम अपनी आँखें ही बंद कर लेती है और ब्लैंकेट को चादर को एकदम टाइटली ऐसे पकड़ के रखती है। और त्रिशा पायल के एकदम करीब आ जाती है उसके नेक के, कि त्रिशा की एकदम सांसें पायल को अपने नेक पे फील हो रही होती है और उसको बहुत ऐसे अलग सा फीलिंग आ रहा होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी त्रिशा पायल को लव बाइट देगी या नहीं। वहाँ पे अमन भी पायल की फ़ोटो देख देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है मुझे ये लड़की कुछ भी करके चाहिए, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, इतने टाइम के बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई है, अमन तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे करके अमन वहाँ पे सोच रहा होता है। तो अब देखते हैं अमन भी पायल को पाने के लिए और क्या स्टेप्स लेता है। और एक बात फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे।